बिहार में रमज़ान के महीने में सियासी इफ्तार कोई नई बात नहीं है। इफ्तार पार्टी का आयोजन आज कांग्रेस की ओर से किया गया है। तमाम महागठबंधन के दलों में सभी दलों ने लगभग जो इफ्तार पार्टी है उसका आयोजन कर दिया और अब कांग्रेस बची थी, जिसके इफ्तार पार्टी का इंतज़ार सबको था और आज कांग्रेस की ओर से प्रदेश कार्यालय में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीर है कांग्रेस प्रदेश कार्यालय यानी कि सदाकत आश्रम की, जहाँ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उसके बाद बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, बिहार सरकार के कई मंत्री हैं, सुमित सिंह हैं, कांग्रेस के तमाम विधायक, विधान परिषद के सदस्य, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी समेत तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और इफ्तार पार्टी जो है वो की जा रही है। एक तरह से कहा जाए तो ये एक यूँ कहें सियासी इफ्तार है। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम लोग हैं वो इस इफ्तार पार्टी में नहीं पहुँचे हैं। लगातार उनकी ओर से हर बार इफ्तार पार्टी का जो है एक तरह से कहें तो बहिष्कार किया जा रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि जब बिहार जल रहा है उस वक्त ये इफ्तार हो रहा है, इस वजह से जो हम हैं हम इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सभी लोग हैं वो इफ्तार के ज़रिए एक संदेश देने की कहीं कोशिश की जाती है कि इस इफ्तार के ज़रिए जो शांति सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो बनाया जाए। और आप देख सकते हैं कि इफ्तार अमूमन जो रोज़ा रखते हैं उनके लिए होता है कि इस वक्त वो इफ्तार के ज़रिए अपने रोज़े को तोड़ते हैं और उसके बाद जो खाना होता है वो खाते हैं और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आम रोज़ेदार हैं, वो सभी इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे और सभी जो हैं वो इफ्तार के ज़रिए अपने रोज़े को खोल रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो इंतज़ार है वो अभी किया जा रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से कुछ ही देर में पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पहुँचने वाले हैं और एक तरह से यूँ कहें तो इस इफ्तार पार्टी को लेकर इनसे हम बात करने की कोशिश करें, क्या कहेंगे इफ्तार मैं सम्मेलन अभी पूर्व मंत्री जो अभी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है और यहाँ काफ़ी लोग कांग्रेस जन और जो दूसरी पार्टियाँ हैं जो हम सहयोगी पार्टियाँ हैं वहाँ के सभी नेतागण और सभी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। अव्यवस्था बहुत अच्छी है तो यहाँ पर ये बात यह है कि इससे भाईचारगी फैलेगी, दोस्ती फैलेगी। अखिलेश जी को धन्यवाद। और ये इफ्तार पार्टी में जिसका लंबे समय से इंतज़ार था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत जो है वो कांग्रेस के तमाम नेताओं की ओर से किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और मुख्यमंत्री के साथ बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा भी जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कांग्रेस की इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो स्वागत है वो किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लंबे समय से जो इंतज़ार था वो जारी था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब आएंगे और आएंगे या नहीं, लेकिन अंततः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री के आगमन से ही जो हलचल है वो तेज़ हो गई है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस इफ्तार पार्टी में सभी के साथ शामिल होकर जो इफ्तार है वो करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी जो रोज़ेदार और सभी महागठबंधन के तमाम नेता हैं उनके साथ इफ्तार पार्टी कर इफ्तार करेंगे। और अब सहयोगी कुमार गौतम के साथ विशाल भारद्वाज, जी न्यूज़ पटना।